जनपद संभल के भेजोई में यातायात महानवंबर वर्ष 2021 के अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड भेजोई पर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा की अध्यक्षता में वाहन चालकों एवं परिचालकों, टेम्पो चालकों एवं प्राइवेट बस चालकों का निशुल्क नेत्र परीक्षण तथा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ARTO अमरीश कुमार द्वारा यातायात नियमों का पालन करने हेतु अपील की गई एवं जनमानस को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी चंदोसी गोपाल सिंह, प्रशिक्षणाधीन पुलिस उपाधीक्षक आलोक सिंधु, यातायात प्रभारी अनुज मलिक आदि अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। यातायात माह के अंतर्गत आज पुलिस द्वारा यातायात नियम उल्लंघन करने वाले 146 वाहन चालकों के चालान MP एक्ट के अंतर्गत किए गए तथा 46,500 ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शमन शुल्क जमा कराया गया। ये किस कैंप का शुभारंभ किया गया और क्या उद्देश्य है इसका? ये सड़क सुरक्षा के लिए एक यातायात माह का आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उसके अंतर्गत आज ये भेजोई रोडवेज बस स्टैंड पर जो रोडवेज के चालक हैं तथा जो लोग टेम्पो और अन्य गाड़ियां चलाते हैं, ऐसे ड्राइवरों के नेत्र की चिकित्सा के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। यहां उनकी आंखों का जांच और इलाज ये मुफ्त में कराए जाने की व्यवस्था की गई है। यहां पे काफ़ी ड्राइवर उपलब्ध आए हैं, उन्होंने इसमें कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस माह में जागरूकता फैलाकर हम लोग जो जनपद में होने वाली घटनाएं उनकी संख्या कम कर सकें और जो उसमें लोगों को जनहानि होती है उसमें कमी लाई जा सके, ये इसका लक्ष्य है। इसकी आपूर्ति के लिए आज ये कराया जा रहा है। पुलिस विभाग व परिवहन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। आगे भी हमारी आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि सड़क सुरक्षा को बहुत ही विशेष ध्यान देते हुए हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं तथा सड़क के नियमों का पालन करें।